धार्मिक स्थल हंडिया में प्रसिद्ध सिद्धनाथ घाट के जीर्णोद्वार को लेकर बैतूल हरदा जिले के सांसद डीडी उइके, हरदा कांग्रेस विधायक डॉक्टर आर के लोटने ने नर्मदा के घाटों की कायाकल्प करने के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी। कांग्रेस विधायक दोगने ने कहा कि मैंने भी हंडिया धार्मिक के लिए सरकार को मांग पत्र लिखा था। रिद्वनाथ घाट पर आयोजित समारोह में सभी जनप्रतिनिधि ने माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। सांसद डीडी उइके ने कहा कि आज ये हमारा सौभाग्य है कि हंडिया धार्मिक स्थल पर भूमि पूजन समारोह में सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि हंडिया धार्मिक नगरी है और मैं उसके विकास के लिए सदा खड़ा हूं। हंडिया से बलवीर सिंह की रिपोर्ट। मित्रों, गोलाधार की अपनी महत्ता है, स्वादिष्ठान की अपनी महत्ता है। मणिपुर चक्र एंटर यानी ब्रह्मांडीय एयरपोर्ट है। जब भी अनंत से जुड़ना है तो मणिपुर चक्र जिसको नाभि कहा गया है वहां से आप आनंद से जुड़ सकते हैं। अनहर विशुद्ध आज्ञा सहस्रार। मित्रों, आज सौभाग्यशाली है अपन जैसा मैंने शुरू में कहा। यह वर्तमान काल बहुत ही अति विशिष्ट है। जो रायबरेली भर के योग से जुड़े हुए अनंत में झांकने की रायबरेली भर की क्षमता ईश्वर ने किसी में विकसित की हो तो महसूस करता है कि भौतिक जगत में भी बहुत तीव्र गति से बदलाव हुआ है और सूक्ष्म जगत में भी बड़े भारी बदलाव चल रहे हैं। ये दोनों ही स्थितियां भारत के भाग्योदय का कि जहां हृदय स्थिति जहां चिन्हित है वहां पर चबूतरा बनना चाहिए। लिए गए थे कि सब विधायकों को अपने अपने क्षेत्र विकास के लिए प्रस्ताव दो। मैंने 1 करोड़ का प्रस्ताव दिया था यहाँ घाट निर्माण के लिए, तो वो आज सेंक्शन भी हो गया और निष्पक्ष काम भी हो रहा है, भूमि पूजन भी आपने देखा है। तो ये उस प्रस्ताव के अंतर्गत ये सेंक्शन हुआ है। उन्होंने सांसदों से भी प्रस्ताव मांगे थे, बिल्कुल सही बात है, पर ये 1 करोड़ का प्रस्ताव मैंने कर दिया था। ये सबसे पहले आया तो मैं तो काफ़ी आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मेरी बात सुनकर हमारी मान नर्मदा के अंचल में घाट बनाने का निर्माण करने का एक परमिशन दी, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये निर्माण हो रहा है और इतनी बड़ी राशि अभी तक कहीं भी शासन की यहाँ नहीं लगी, तो मेरी मांग पर मंगी है मानी है, तो ये नर्मदा माँ की कृपा है और उनके आशीर्वाद से मैं आज जीता हूँ। तो सबसे पहले हमने यही कोशिश की कि सबसे पहले ये काम हो।